परीक्षा का जो स्ट्रेस है वो बच्चे सहन नहीं कर पाते। कोई बच्चा 9th क्लास का बच्चा, कोई 10th क्लास का बच्चा सुसाइड कर रहा है, परीक्षा का भूत है वो, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो, वो सभी इस परीक्षा का जो एक दबाव महसूस होता है वो सभी बच्चों को होता है। वो कई बच्चे हम देखते हैं कि वो स्कूल में बहुत अच्छा करते हैं, साल भर अच्छे से पढ़ते हैं, जो भी स्कूल की गतिविधियां होती उनमें भी भाग लेते हैं, लेकिन जैसे ही फाइनल परीक्षा आती है तो वो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते, और इसका केवल एकमात्र कारण दबाव। एक प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रारंभ किया है, मेरा मानना है कि अद्भुत कॉन्सेप्ट है देश के प्रधानमंत्री का। माता पिता की अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं भी कुछ ज्यादा हो गई। कक्षा 3, 4, 5 या 12 तक का जो भी सिलेबस है वो तो हम पढ़ लेते हैं, अच्छे अंक भी लाते हैं, लेकिन आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए सबसे आवश्यक है पढ़ना। अच्छी किताबें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके व्यक्तित्व में निखार भी आता है और उनका जीवन आगे बढ़ने में सहायक भी होता है। इसलिए सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आप पढ़ने की भी आदत डालेंगे। कोई बच्चा 9th क्लास का बच्चा, कोई 10th क्लास का बच्चा सुसाइड कर रहा है, और उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? एक 9th 10th के बच्चे को क्या परेशानी हो सकती? कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो आपके पढ़ने की खेलने की उम्र। लेकिन परीक्षा का जो स्ट्रेस है वो बच्चे सहन नहीं कर पाते, और जो माता पिता की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं भी कुछ ज्यादा हो गई। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। रुको अभी नहीं लाती हूँ मैं तुम्हें अच्छे कपड़े। मेरे आका, मेरा घर जैक एंड जिल। यहाँ है बच्चों की पसंद के ब्रांडेड क्लोथ आइटम्स और न्यूबॉर्न बेबीज रिलेटेड सभी आइटम्स का वन स्टॉप सेंटर। बच्चे मांगे चिल, जैक एंड जिल।